कुछ ऐसी बारीकियां जो आपको हर ईमेल में ध्यान रखनी चाहिए। एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए जिसको पढ़ के सामने वाला उस मेल को प्रायोरिटी में खोले और पढ़े और उसमें एक्शन ले। जैसे हम कोई भी वीडियोस जब यूट्यूब में देखते हैं ना, तो थंबनेल हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है, और एक क्रिएटर के लिए थंबनेल लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सिमिलरली इट गोज़ फॉर सब्जेक्ट लाइन। आपने एक ईमेल डाल दिया लेकिन उसमें सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो ना स्पैम में पड़ा रहेगा या इनबॉक्स में पड़ा रहेगा, सामने वाले ने उसको खोला भी नहीं होगा जब तक आपने उसको फ़ोन करके फॉर्मली फॉलो अप ना लिया हो। तो एक सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से ही आपका जो ईमेल है अपने क्लाइंट को जाना चाहिए। रिप्लाई ऑल का बटन आप हमेशा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि यू नो जो इसके लिए मतलब ये ईमेल उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा उसको भी ये यू नो बेमतलब का बॉदर करता रहेगा, एंड दे हैव टू यू नो रिप्लाई, नॉट रिप्लाई बट सी टू इट और डिलीट इट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देन जब आप एक ईमेल फ्रेम कर रहे हो उसके पहले आप रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस नहीं लिखोगे, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है लिखते लिखते ऐसा हो जाता है कि वो एक्सीडेंटली चला जाता है, तो आपका जो क्या होता है ना वो अधूरा ईमेल भी शायद पहुंच जाए आपके रेसिपिएंट के पास, और फिर वो एक बहुत बड़ा ही ब्लंडर कर सकता है,